नमस्कार, लाइट ऑफ नेशन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बात करूं मैं आज वैक्सीन को लेकर के, मैं मधुबाला, मेरे सहयोगी अमन देवरानी। वैक्सीन के लिए मनोरंगशाला मनाली में उमड़ी भीड़, दूसरा टीका लगाने वालों की संख्या अधिक, नगर परिषद मनाली कर रही व्यवस्था। शुक्रवार को वैक्सीन के लिए मनोरंगशाला में भारी भीड़ उमड़ी, दूसरा टीका लगाने वालों की संख्या अधिक रही। नगर परिषद मनाली के सहयोग से मनोरंगशाला में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष चमन कपूर ने आज दूसरा टीका लगाया। टीका लगाने के बाद नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष चमन कपूर ने कहा कि लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण ही कोरोना का बचाव है। कपूर ने कहा कि उन्होंने आज कोरोना का दूसरा टीका लगा लिया है और स्वयं को सुरक्षित महसूस किया है। उन्होंने 45 साल से ऊपर के सभी लोगों से आग्रह किया है कि कोरोना के दोनों टीके लगवा लें और सुरक्षित रहें। मधुबाला के साथ अमर देवरानी की खास रिपोर्ट। मैं आपको बताना चाहूँ कि वैक्सीन की आज मैंने सेकंड डोज लगवा ली है और मैंने ये पाया है, मैंने खुद भी अनुभव किया हुआ है कि जिनको वैक्सीन की सेकंड डोज लग गई है वो लोग सेफ है। जिनको पहली डोज लगी है वो 40% सेफ है और जिनको सेकंड डोज लग गई उन लोग 90% सेफ है। क्योंकि हमारे इस बारे में मैं बार बार बात करता हूँ, अगर कोई दिन उनसे इंटरव्यू लेंगे, यहाँ पे मेरे ससुर है 82 ईयर्स ओल्ड है, उनको एक वैक्सीन की डोज लग गई थी और उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। लेकिन कोरोना से उन्होंने खूब लड़ाई लड़ी और उससे बाहर आए। वैसे ही बहुत से एग्जाम्पल और भी हैं और आज तक ये भी पाया गया, सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि जितने भी लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और उन्होंने एक वैक्सीन या दो वैक्सीन लगवा ली थी वो लगभग 95% से ज्यादा लोग जो हैं और 70% लोग जो हैं वो ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं। और जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उन्हीं के इर्द गिर्द खतरा कोरोना का मंडरा रहा है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे रामबाग में वैक्सीन लग रही है, पर्यटक भी आ रहे हैं, दूसरे भी आ रहे हैं, सभी लोग आए और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे वैक्सीन लगवाएं। और 17 तारीख से जो है 18 साल से 45 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं उनको वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी और हम यहाँ पे पूरे तैयारी में बैठे हैं कि लोग आए, उनका स्वागत है और अपनी वैक्सीन लगवाएं, अपने को भी सेफ रखें और अपनों को भी सेफ रखें और भारतवर्ष को भी सेफ रखें। इसी गुजारिश करता हूँ कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। सरकार ने जो है मिशन हॉस्पिटल को जो है कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? कल भी मुख्यमंत्री महोदय से वर्चुअल उसमें बात हुई थी तो मैंने उनका धन्यवाद किया। मैं तो हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और साथ में स्थानीय मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिनके प्रयासों से, जिन्होंने बहुत प्रयास किया और उसके बाद जो है लगा उनको कि कुल्लू में जो है वो लोगों को दूर भी पड़ रहा है। जो इधर के लोग जो मैक्सिमम कोविड पॉजिटिव आ रहे थे उनको यहाँ से जब कुल्लू ले जाते हैं तो एक तो पेशेंट में घबराहट हो जाती है जैसे एम्बुलेंस में बैठता है और आधा तो वो घबराहट से ही बीमार हो जाता है। उसके बाद फिर कुल्लू जाके हॉस्पिटल का माहौल देखकर और उसके बाद भी अगर ठीक ना हो नियर चौक जाता है तो फिर आज देखो भी वो 25% ही रह जाता है और वो कोरोना की लड़ाई जीत नहीं पाता है। तो ये सब बातों को सोचते हुए और हमारे स्थानीय मंत्री ठाकुर गोविंद सिंह ठाकुर जी ने ये संज्ञान लिया और सब लोगों को इकट्ठा किया, अपने CMO को बुलाया और डॉक्टर फिलिप को बुलाया और हम लोग सभी लोग थे, सब ने सलाह करी और डॉक्टर फिलिप ने भी एकदम से यस करी और उनका भी धन्यवाद करेंगे और खासकर हमारे स्थानीय मंत्री का धन्यवाद करेंगे, सरकार का धन्यवाद करेंगे। उनसे 3,000 रुपये पर बेड के हिसाब से उनसे बात हुई, उनके 55 के 55 बेड पूरा हॉस्पिटल जो है वो ले लिया गया है मिशन हॉस्पिटल और वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह का भी पूरा प्रबंध है और उनके पास सारी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के चलते जो वहाँ पेशेंट काफी रिलीफ फील करेगा और यहाँ से अगर बीमार कोई हो जाता है तो ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम वहाँ पे है और वहाँ से लोग जो ठीक होकर आएंगे। तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा सरकार का, हिमाचल प्रदेश सरकार का और गोविंद ठाकुर जी का कि जिन्होंने ये बीड़ा उठाया, साथ में CMO साहब हमारे और डॉक्टर फिलिप जी, और उन्होंने आज से पिछले कल से जो है वहाँ पे पेशेंट आना शुरू हो गए हैं और वहाँ पे लोगों का इलाज होना शुरू हो गया है।